कस्तूरी फिल्म निर्मित प्रेम लागी जीवा इस मराठी फिल्म का 22 अप्रैल को प्रीमियर होने जा रहा है। महाराष्ट्र के सभी थिएटर में ये फिल्म प्रदर्शित हो रही है। फिल्म का विशिष्ट ये है कि इसमें शहर की एक युवती मयूरी नवाथे इस फिल्म में काम कर रही है। फिल्म में किए गए उत्कृष्ट अभिनय से उसने हिंगनघाट शहर का गौरव बढ़ाया है। उपरोक्त फिल्म का पोस्टर लॉन्चिंग शो बुधवार को छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान में आयोजित किया गया था। इस प्रसंग पर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति सुधीर कोठारी, उप विभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाली, पुलिस अधिकारी संपत चौहान, कृषि उत्पन्न बाजार समिति पूर्व संचालक मधुसूदन हरने आदि मान्यवर उपस्थित थे। प्रेम लागी जीवा फिल्म विदर्भ के नागपुर के कस्तूरी फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड कंपनी की है, जिसकी निर्मिति प्रसिद्ध कवियत्री, गीतकार एवं लेखिका प्राजक्ता खांडेकर और नागेश थोटे ने तो फिल्म का निर्देशन सोमनाथ लोहार ने किया है। इस फिल्म को नागपुर कर उसी प्रकार विदर्भीय रसिक प्रेक्षक और श्रोताओं का उत्तम प्रतिसाद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बुधवार को इस फिल्म का प्रमोशन और पोस्टर लॉन्चिंग के लिए प्रेम लागी जीवा इस फिल्म के कलाकारों की पूरी टीम शिवाजी पार्क में उपस्थित थी। उपरोक्त कार्यक्रम के सफलतार्थ सर्वश्री डॉक्टर आदर्श गुर्जर, संदेश मून, रोटरी के प्रोफेसर केदार, रश्मि वैद्य, अनीता मावले, रवीला अखाड़े ने परिश्रम लिया। आयोजित केलेला आहे, खूप आनंदाची बाब आहे की आपल्या हिंगणघाट मधली एक मुलगी जी आपली सुकन्या म्हणता येईल हिंगणघाटची, ती आज कुठेतरी मोठ्या याच्यावरती हिंगणघाटचा चेहरा म्हणून सिनेसृष्टीमध्ये पाय ठेवत आहे, मराठी सिनेसृष्टीमध्ये। त्याच्याबद्दल मयुरीचं खूप अभिनंदन। सोमनाथ आणि बाकी सगळ्या टीमचं पुन्हा मी मनस्वी अभिनंदन करते, सगळ्यांना शुभेच्छा देते, धन्यवाद करते की बराच वेळ थांबले ते आणि तुम्ही सुद्धा इथे उपस्थित आहात सगळेजण। बस थँक्यू म्हणणार। आणि हो, 22 एप्रिल रोजी चित्रपट येतोय प्रेम लागी जीवा, नक्की आणि नक्की बघा। मला तर वाटतंय की फर्स्ट टाईम आपल्या हिंगणघाटमध्ये कुठलं तरी पोस्टर लॉन्चिंग आणि चित्रपट, म्हणजे इथलीच एक नायिका, आपल्यातलीच एक मुलगी काम करणार आहे आणि तुमच्या पुढे येणार आहे, तर मला नक्की सांगा की माझा अभिनय कसा होतो आणि माझी ऍक्टिंग तुम्हाला कशी वाटली ती। हिंगणघाट से BCN न्यूज के लिए कॅमेरामॅन योगेश लखोटे के साथ रवी यनोरकर की रिपोर्ट।